जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस सीजन 13 के कंटेस्टेंट लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं। हाल ही में आसिम रियाज के म्यूजिक वीडियो एल्बम रिलीज हुए थे, जिसके चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। तो वहीं बिग बॉस सीजन 13 के विनर रह चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोज और फोटोज को लेकर लगातार लाइमलाइट बटोर रहे हैं। वेल दोस्तों, ये तो बात हुई इन दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में, लेकिन इसी बीच जहां एक ओर ये दोनों लॉकडाउन के चलते घरों में कैद हैं, तो वहीं इस लॉकडाउन की वजह से क्या सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज का करियर यहीं थमकर रह जाएगा? जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में एक ऐसे शख्स ने इन दोनों की करियर को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके KRK यानी कि कमाल राशिद खान के बारे में, जिन्होंने ट्विटर हैंडल अकाउंट के जरिए ट्वीट करते हुए बताया है कि आसिम और सिद्धार्थ आखिरकार फिल्म इंडस्ट्री में चल पाएंगे या फिर नहीं। दरअसल KRK ने अपने ट्वीट में लिखा है, कोरोना ने आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला का बड़ा समय खराब कर दिया है। वे बिग बॉस सीजन 14 शुरू होने से पहले कई गाने में पैसा कमा चुके हैं। जी हाँ, बिग बॉस सीजन 14 शुरू होने से पहले कई गाने कर पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि नया सीजन शुरू होने पर उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। उन दोनों का बाकी बिग बॉस कंटेस्टेंट की तरह बॉलीवुड में कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरे ट्वीट में KRK ने सिद्धार्थ और आसिम को लेकर ये भी बताया है कि बॉलीवुड में वो नहीं आ सकते हैं, और इसकी बड़ी वजह भी उन्होंने बताई है। KRK ने कहा है दूसरे ट्वीट में, सिद्धार्थ किसी फिल्म में काम करने के लिए उम्र में काफी बड़े हैं, वहीं आसिम बाकी दूसरे मॉडल्स की तरह एक्टिंग का ए भी नहीं जानते हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई मॉडल्स हैं जो आसिम से ज्यादा हैंडसम हैं, लेकिन उनकी ही तरह एक्टिंग नहीं जानती, इसलिए बॉलीवुड ऐसे मॉडल्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहिए। वेल दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर KRK ने इन दोनों के करियर की भविष्यवाणी रच कर रख दी है। जहाँ एक ओर KRK आसिम रियाज को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे, तो वहीं और अब उन्होंने ट्विटर पर इस तरीके के ट्वीट किए हैं। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार यहाँ पर KRK के द्वारा कही हुई बातें क्या वाकई में सच हो सकती हैं? ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कितना है बिलीव आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज, और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।